हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 20th ऑफ जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका आज एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले मैं आगे वाले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इजी लगा, कुछ बता रहे थे टफ लगा, जबकि कुछ मतलब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो ये बोल रहे थे कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के ऊपर। सो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? दैट स्टोर्स डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट द सीपीयू में नीड इन रियल टाइम। मतलब जब आप काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम पर जो लैपटॉप का सीपीयू जो है वो जो भी डेटा की नीड होगी उसको, वो जो भी डेटा स्टोर कर रहा होगा वो वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर कर रहा होगा। सो इट इरेजेस दैट वंस यूजर स्विच ऑफ द कंप्यूटर। एक बार जब मैंने ये सिस्टम बंद कर दिया देन उसके बाद जो है ये जो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इरेज हो जाएंगी। सो कैश मेमोरी हो गई इसका एंड रैम हो गया, दैट इज द टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ऑन द अदर हैंड इज स्टैटिक, ये फिक्स होती है। इट रिमेन्स इन अ कंप्यूटर इवन आफ्टर यू जो स्विच इट ऑफ। अगर एक बार मैं स्विच ऑफ कर दूँ तो भी जो डेटा है इसके अंदर वो बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हो गए। जैसे आप देख सकते हो फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। पहले फ्लॉपी डिस्क का यूज़ बहुत बड़े लेवल पे होता था, अब तो खैर होता नहीं इतना। वैसे सीडी का भी पहले बहुत यूज़ होता था, डीवीडी हुआ करती थी, याद होगा आप सभी को। अब तो बहुत कम यूज़ हो रहा है इनका, अब तो एटलीस्ट इनफैक्ट यूज़ बहुत बंद ही हो गया ऑलमोस्ट। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया है ना, एसएसडी हो गया। इसके अलावा ये आपकी एसएसडी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। कल इस पर क्वेश्चन बना था, कल हाँ शायद कल की बात है, कल के एग्जाम में एचडीडी और एसएसडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। पेन ड्राइव जो है वो भी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा एसडी कार्ड जो होती है आप लगाते हो मोबाइल फोन वगैरह में या फिर कैमरा में, वो भी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अलावा गाइस देखो मेमोरी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आई थिंक सभी को पता होगा, तो बिल्कुल बेसिक्स है। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम एंड रोम। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ अगर आपको कमेंट अगर इसकी फुल फॉर्म पता है आपको। और सेकेंडरी मेमोरी में आती है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो ये जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गाइज। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन कुछ कुछ दिन पहले भी आया था, आई थिंक 17 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो पीएच जो स्केल है ये बीच में न्यूट्रल होता है 7 नंबर पे। आप सभी को पता होगा कि 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। बीच में जो है 7 नंबर वो न्यूट्रल होता है, जो कि वाटर जो है वो हमारा 7 नंबर पे होता है। इसकी तरफ आओगे तो एसिडिक होते हैं, इसकी तरफ आओगे तो एल्केलाइन होते हैं, इधर खट्टे होते हैं, इधर कसैले होते हैं। तो इस स्केल पे इस तरह की जो चीज़ें वो गिवन होती हैं। अगर हम बात करें 6 नंबर पे तो मिल्क होता है, फिर कॉफ़ी, फिर टोमेटो, फिर विनेगर, फिर लेमन, स्टोमक एसिड, बैटरी। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैल्यू गिरती जाएगी, जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ोगे तो 7 के बाद 8 नंबर पर आता है ब्लड, बेकिंग सोडा हो गया, स्टमक टैबलेट हो गया, अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, सोप हो गया, ब्लीच हो गया, ड्रेन क्लीनर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके एल्कलाइन वाली साइड में आ जाती हैं। तो वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने डाला इस क्वेश्चन को। यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था टेबल बेस्ड क्वेश्चन था बट कैलकुलेटिव था। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी गई है। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। स्पेशली टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन है इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज आज के टाइम पे इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत आम बात होगी। मतलब कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा डाल दी जाती है आज के टाइम पे। अल्फाबेट सीरीज से इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, वाटर लेवल पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। हाइड्रो पावर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट हैज़ 4 डैम्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कोयना रिवर, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट डैम जो कि कोयना डैम के नाम से जाना जाता है। तो गाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके बारे में ताकि आप लोग उसको गो थ्रू कर लें। भारत का सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इसमें कोयना नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो बांध है वो यानी कोयना बांध भी जो है इसमें शामिल है। तो ये आपको जो है हाइड्रो पावर से पता होना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एमआईडीआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सो एमआईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एमआईडीआई इज एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईडीआई। इसका यूज़ क्या होता है? इट्स अ वे टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट मेक एंड कंट्रोल साउंड, सच एज सिंथेसाइजर हो गया, सैम्पलर्स हो गए,
एंड कंप्यूटर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग MIDI मैसेजेस. क्या बोला जा रहा है कि MIDI जो है एक संक्षिप्त शब्द है जो कि संगीत वाद्य यंत्र डिजिटल इंटरफेस के लिए खड़ा है. ये उन उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका है जो सिंथेसाइजर सैम्पलर और कंप्यूटर जैसे ध्वनि बनाते हैं और नियंत्रित करते हैं ताकि वे MIDI संदेशों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें. तो ये जो बेसिकली इस ये जो MIDI है इसका यूज़ किया जाता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो तार नहीं लगाया जाता है तार और जो वायर लगाए जाते हैं उनको उनको कनेक्ट किया जाता है देन उसके बाद जो है उसका यूज़ करते हुए हम उसको कमांड दे पाते हैं कि उनको क्या करना है. इसके अलावा इस ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन था. एग्जिट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं डाला है यहाँ पर. क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइज. और इसके अलावा कम्युनिकेशन मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था. सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन था. नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था. परसेंटेज पे क्वेश्चन था एग्जाम में. इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन गाइज पूछा हुआ था. देन पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछे थे. अच्छा पॉलिसीज एक एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है. यहाँ से कुछ बने ना बने लेकिन पॉलिसीज पे तो पक्का क्वेश्चन बन ही रहा है. ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जो है पॉलिसीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो अगर आपको पॉलिसीज टफ लगता है तो मैं आपको क्लास नंबर 14 और क्लास नंबर 15 रिकमेंड करूंगा जिसमें मैंने पार्ट वन पार्ट टू करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर ये क्लासें ली हुई हैं. अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आपने नहीं देखी है तो इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. तो फटाफट से इस सीरीज को गो थ्रू कर लो. जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं आप जाओ इस सीरीज को गो थ्रू करो. डेफिनेटली इस आपको एडवांटेज मिलेगा. मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ गाइस. आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री करके मैंने कंप्लीट सीरीज जो है बनाई हुई है जिसमें मैंने पेपर वन के एवरग्रीन जो टॉपिक होते हैं 8-10 टॉपिक जो भी 15 टॉपिक और एवरग्रीन टाइप है इनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है. तो आप इस सीरीज को जरूर देखें. इससे आपकी क्विक रिविजन हो जाएगी. अब गाइस देखो जैसे भी आपका एग्जाम था वो हो गया. अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेट बेस्ड दिसंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयारी करवा रहे हैं. फोर पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस. अगर आप अभी ज्वाइन करोगे 6 मंथ वाला कोर्स तो बेस्ट रहेगा बिकॉज आज के टाइम पे आपको पता है कि पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछा जा रहा है ना. रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा. तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे. देन उसके बाद आपको मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन करनी पड़ेगी. मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देन मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी. तो इतना सब कुछ करने में आपको मिनिमम 6 मंथ का टाइम लगने वाला है. डेफिनेटली अगर इतना टाइम लगेगा ही लगेगा तो इसलिए आप 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करो और फटाफट से ज्वाइन कर लो बिकॉज जितना लेट करोगे उतना ही आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा. सो गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करिए यहाँ पर और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे कोर्स दिख जाएगा. अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है. इन सभी कोर्सेज में आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे जो कि ऑल 10 यूनिट्स को कवर करेंगे. आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. और देन इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर PDF नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो. तो सिंगल प्लेस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइस फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स. सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स. गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर. थैंक यू सो मच.